अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट कपकेक्स। सबसे पहले हमने एक बाउल में 1 कप मैदा, 1/2 कप कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हमने एक बाउल में 8 चम्मच मेल्टेड बटर डालकर इसमें कास्टर शुगर 1 कप या फिर बारीक पीसी हुई चीनी डालकर अच्छी तरह से मिला लेनी है। अब इसमें एक अंडा, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/2 कप मिल्क डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े करके ऐड करने हैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छा बैटर तैयार हो। यहाँ मैंने कुछ डिस्पोजेबल कप्स लिए हैं, हम इन डिस्पोजेबल कप्स में कपकेक्स बेक करेंगे। मैंने इन कप्स में पहले ऑयल लगाया और अब इसे अपने बैटर से 1/2 1/2 फिल कर रही हूँ। अब इन कप्स को प्रीहीट ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखना है। अब हमने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग तैयार करनी है कपकेक्स के लिए। उसके लिए 1/2 कप बटर, उसमें 1/4 कप कोको पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 चुटकी नमक और 1/2 कप आइसिंग शुगर डाल दें। फिर इसमें 1/2 कप क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इतनी देर में हमारे कपकेक्स भी बेक हो चुके हैं। अब मैं 3 कप्स में चॉकलेट फ्रॉस्टिंग डाल रही हूँ और फिर इसके ऊपर आइसिंग शुगर थोड़ी सी डालूँगी। बाकी के 3 कपकेक्स उन डिस्पोजेबल कप से निकाल लिए थे और इनके ऊपर फ्रॉस्टिंग चॉकलेट डाल रही हूँ और इसके बाद थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालूँगी। अब हमारे चॉकलेट कपकेक्स तैयार हैं।